आज हम एक ऐसे जहर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर आंटियों के बीच में फैलता जा रहा है। एक ऐसा जहर जो पिछले कई सालों से फैलता जा रहा है और आगे भी फैलता रहेगा। इंडियन सीरियल्स, एक ऐसी जगह जहां पर फिजिक्स और लॉजिक, कौन सी चिड़िया का नाम है ये खुद साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए। एक ऐसी जगह जहाँ पे एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है। नहीं, क्या है ये? इसे देखने के बाद मेरी आंखों, मेरे कानों ने मेरा साथ छोड़ दिया। पता नहीं ये लोग शो बनाने से पहले क्या सोचते हैं। आज ना मैं अपनी 5th क्लास की मैडम को PPT बनाकर दिखाऊंगा, जहाँ पर मैंने दुनिया के सारे स्लाइड्स इस्तेमाल कर लिया। अब हम आते हैं थप्पड़ पर, जहाँ पर हर कोई कहीं भी किसी को भी पेल रहा है। कभी कभार तो एक इंसान इतना बौला जाता है कि वो एक थप्पड़ पे नहीं रुकता, सीधा रन। नहीं मतलब ये लोग कुछ ही बना रहे। जैसे ये लड़की ले लो जो सीधे सीधे जा रही थी और ये नहीं समझ में आया कि वो लड़की ज्यादा छोटी थी या फिर वो बैग ज्यादा बड़ा था, या फिर शो बनाने वाले का दिमाग छोटा हो सकता है। तू कौन है वे और मेरे घर में क्या कर रहा है? हम दोनों एक ही हैं, बस मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूं और मेरे कपड़े भी तुझसे ज्यादा अच्छे हैं। ये लोग यहीं नहीं रुकते, इन लोगों ने भगवान से भी सौदा कर रखा है। जैसे ये आदमी ले लो जो बचपन से ही अंधा था, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए। 2 मिनट के लिए आप मेरी आंखें मुझे वापस कर सकते हो? एक बार नंदिनी को देख लूंगा ना, उसके बाद आंखें वापस ले लेना। आई वोंट कंप्लेन। भगवान को क्या समझ के रखा है? भगवान प्लीज, भगवान से बस उसको एक बार देखना है, बस प्लीज। प्रिया कहाँ गई? भगवान, थैंक यू गाइस, आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जाओ जाकर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जाते जाते बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और नीचे दिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे जाकर मुझे फॉलो कर लेना। ओके, बाय।